खरगोन जिले के बढ़वा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आरटीसी में सीआईएसएफ के 52वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीआईएसएफ के जवानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाकर उपस्थित दर्शकों को रोमांचित कर दिया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आरटीसी बढ़वा में सीआईएसएफ की स्थापना के 52 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भव्य समारोह आयोजन किया गया। समारोह में प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य हेमराज गुप्ता मुख्य अतिथि थे। इस दौरान भव्य परेड का आयोजन किया गया तथा रोमांचित करने वाले प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए। किसी ने एक के खिलाफ दो का फ्री फाइट लाठी से बचाव करते हुए बचाव करना डीआईजी हेमराज गुप्ता ने बताया कि 10 मार्च 1969 को मात्र 3192 बल सदस्यों के साथ बल का गठन किया गया था और आज सक्रिय बल सदस्यों की संख्या 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गई है। बल्कि कार्यशैली और सुरक्षा के क्षेत्र में प्राप्त कौशल को देखते हुए भारत सरकार ने 2017 में इस बल की नौकरी को बढ़ाकर 1,60,000 कर दिया था, जो बल के लिए गौरव की बात है। साथ ही 52वें स्थापना दिवस पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण का संरक्षण का संदेश। आज 10 मार्च है, 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ अपने अस्तित्व में आया था और आज 52 साल पूरे कर चुका है। सीआईएसएफ जैसा आपको पता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए था, उसके बाद एयरपोर्ट्स की सुरक्षा हमको मिली, हमको हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स की सुरक्षा मिली, हमको प्राइवेट इंस्टॉलेशंस में भी सुरक्षा का कार्यभार अभी सौंपा गया है। तो हमारे काम में हम चाहे एटॉमिक, एक तरफ एटॉमिक एनर्जी है तो दूसरी तरफ स्पेस वाले हैं, तीसरी तरफ कोल है, चौथी तरफ स्टील है, मतलब सभी तरह की, जिस भी तरह की इंडस्ट्रीज हो सकती है, जिस भी तरह की देश के महत्वपूर्ण संसाधन जहाँ पर भी लगे हुए हैं, हम उन संसाधनों की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। और पिछले 52 साल में हम इस काम में अपनी पूरी दृढ़ निश्चयता के साथ, हमारा जो सिद्धांत है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, उसके साथ हम लगे हुए हैं और इस काम को बखूबी हम लोग अभी तक निष्पादन करते रहे और आगे भी हमेशा इसी तरह से निष्पादन करते रहेंगे। 2017-18 को सीआईएसएफ ने ट्रेनिंग ऑफ द ईयर घोषित किया था, क्योंकि उस समय हमने एक ही साल में बहुत सारे आदमियों को, बहुत सारे लड़कों को ट्रेनिंग दिया था। उस दौरान हमारा जो प्रदर्शन रहा है उस साल में, समस्त सीएपीएफ की ट्रेनिंग सेंटर्स को मिला के, सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, एसएसबी भी है, मतलब सभी तरह के ट्रेनिंग सीएपीएफ को मिला के एक ट्रेनिंग सेंटर को, जो सबसे अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें हमको अदर रैंक्स में, कॉन्स्टेबल रैंक में जो सबसे अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है, उसका ट्रॉफी हमको मिली है 2017-18 वर्ष के लिए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भारत के 300 से ज्यादा सरकारी और निजी औद्योगिक उपक्रमों को 64 एयरपोर्ट्स को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त 77 औद्योगिक संस्थानों को अग्निशमन सेवा भी प्रदान कर रहा है। अंत में हेमराज गुप्ता ने बल के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा समारोह को सफल बनाने के लिए सभी का आभार जताया। बढ़वा से वाजिद खान की रिपोर्ट।